ये बहुत ही मज़ेदार होती है खाने में, और इसका फ्लेवर भी बहुत ही रिच नहीं होता है, बहुत ही सॉफ्ट फ्लेवर, चारकोल फ्लेवर आता है। बिना तंदूर के आप इसे घर में आराम से बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने बिना तंदूर का ही बनाया है इसे। ये कितना सॉफ्ट और जूसी बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी है और लगती है खाने में भी। तो चलिए, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी है, आप चाहे तो चिकन के पीसेस भी ले सकते हैं। अगर आप पीसेस ले रहे हैं तो ध्यान रहे एक चिकन के आप 4 ही पीस कर सकते हैं, तब वो चिकन बहुत अच्छे से निकल कर आएगी। आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगी। मैंने आज होल चिकन लिया है। ये देखिए, चिकन को अच्छे से वॉश कर ले। अब इसके बाद मैरिनेशन की तैयारी चिकन करते को हैं। अच्छे से वॉश करके इसमें जिंजर सबसे गार्लिक पहले पेस्ट हम चारों तरफ लगा के मैरिनेट करके छोड़ दें। तो मैरिनेशन के मसाला बनाने के लिए मैं एक स्टील का बोल लूंगी, आप भी कोशिश करिए कि स्टील बोल ही लें। तो इसमें सबसे पहले हम मसाले डालेंगे। ये देखिए, ये कुछ मसाले हैं। ये धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, रेड चिली 1 टीस्पून, व्हाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून, और ये मैंने थोड़े से चिकन मसाले लिए हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या स्किप कर दें। इन सबको हम इस बोल में ऐड कर देंगे। मैंने एक इसमें मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, 1 कप जैसा मस्टर्ड ऑयल है। आप इसे बहुत अच्छे से गर्म कर ले जब तक ऑयल से धुआं ना निकल जाए। आप कोशिश करें कि मस्टर्ड ऑयल ही हो, कोई और ऑयल इस्तेमाल ना करें, इससे ट्रेडिशनल फ्लेवर आता है। ये देखिए, ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गए। अब इसे हम ठंडा थोड़ा सा कर लेंगे, तब तक और मसाले ऐड कर लेते हैं अपने मैरिनेशन में। ये देखिए, जो मैंने मसाले डाले थे, अब इसमें जाएगा सत्तू या बेसन, आपके पास जो भी हो, बेसन को हल्का सा भून ले या सत्तू यूज करें। मैंने 2 टेबल स्पून सत्तू लिया है इसमें। अब साथ में जाएगा सॉल्ट, अब साथ में जाएगा 1 लेमन का जूस, और ये देखिए, मैं कुछ और मसाले लिए हैं। ये तंदूरी मसाला है, आपको कोई भी शॉप में किसी भी ब्रांड का मिल जाएगा। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, क्योंकि बाकी सारे मसालों से तंदूरी चिकन का फ्लेवर आ ही जाता है। ये मैंने लिया ब्लैक सॉल्ट, और ये साथ में है रेड कलर, रेड फूड कलर आप लिए, थोड़ा सा कसूरी मेथी, और ये मैंने जीरा को भून लिया है और उसके बाद इसका पाउडर बनाया है। भुना जीरा का पाउडर आप ले, इन सबको इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें करीब 1/2 टीस्पून जैसा ये चाट मसाला जाएगा। चाट मसाला पाउडर बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है इसका। ये हम ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को। अब इसमें जाएगा दही, मैंने करीब 1/2 कप दही लिया है। इन सबको डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बना ले। अब मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करना है, तो ये मस्टर्ड ऑयल थोड़ा गर्म अभी भी है, तो इसलिए मैंने आपको स्टील का बोल यूज करने के लिए कहा है। इसे पूरा मिक्स कर दे। सारे मसाले डाल के मुझे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे लम्स बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए कहीं पे भी। अब इसे हम अपने चिकन में अप्लाई करेंगे। हमें चिकन में इस तरह से कट्स लगा लेना है ताकि मसाले अच्छे से अंदर चले जाए। देखिए, मैंने ब्रेस्ट पे क्रस्ट लगाया है, यहाँ पे लगाया है लेग पीस में, हम बैक साइड में भी थोड़े से लगाएंगे, जहां जहां मसाले हमें अच्छे से डालने हैं। अब इसे करीब 1/2 घंटे के लिए आप साइड छोड़ दें, जब तक मसाले अंदर तक पूरा सोक ना कर ले चिकन। चिकन को मैरिनेट होते हुए करीब 1/2 आवर हो गया है। अब हम एक पैन को हीट करेंगे। ये देखिए, मैंने पैन को हीट कर लिया। अब इसमें हम डायरेक्ट चिकन को ऐड करेंगे। ऑयल बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि मैरिनेशन में ऑयल मैंने डाला है। और इसे अच्छे से कुक करना है, हाई मीडियम हीट पे, हर साइड से। चिकन को कुक होते हुए करीब 2 मिनट हो गया। अब हम इसे दूसरे साइड में पलट लेंगे। ये देखिए, मैंने इस साइड पे इसे पलट लिया है, और अब हम इस तरफ भी पकाएंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुका है, अब हम इसे दूसरे साइड पे पलट लेंगे। चिकन को सारे साइड से मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है।
बिल्कुल हाई हीट में। अब हम हीट को मीडियम करेंगे और इसे ढक कर करीब हाफ एन आवर के लिए कुक करेंगे ताकि वो अंदर तक पूरी गल जाए, टेंडर हो जाए। चिकन ऑलमोस्ट डन है। मैंने इसे करीब आधे घंटे के लिए पकाया है, सारे साइड से मैंने बीच में पलट पलट के पकाया है ढककर मीडियम हीट पे। तो ये बिल्कुल अंदर से टेंडर हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। चिकन तो डन हो गई है, लेकिन अब हम इसमें एक चारकोल फ्लेवर हमें देना है, एक फायरी टेक्स्चर देना है। तो चलिए एक स्क्यूअर हम ले लेंगे इस तरह से। ये देखिए मेरा चिकन सपोर्ट करने वाला स्क्यूअर है। आप कोई भी नॉर्मल स्क्यूअर भी ले सकते हैं, आप नाइफ में भी इसे फंसा सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसे होल्ड कर लेना है। ये देखिए होल्ड हो चुका है बिल्कुल चिकन अच्छे से। अब हमें इसे ग्रिल करना है बिल्कुल इस तरह से ओपन फ्लेम में। इससे तंदूरी का फ्लेवर भी आएगा, टेक्सचर भी आएगा। आपके पास तंदूर है तो आप इसे बेक कर ले 350 डिग्री सेल्सियस में करीब, आप कर सकते हैं 10 मिनट के लिए। और अगर नहीं है आपके पास तंदूर तो इस तरह से गैस में करें। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है डायरेक्ट ओपन फ्लेम में। सारे साइड से हमें इस तरह से घुमा घुमा कर सेकना है। तंदूरी चिकन बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना स्मोकी और कितना अच्छा टेक्सचर आया, बिल्कुल तंदूर के जैसा। तो बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपके पास तंदूर नहीं है तो आप इस तरह से आराम से बना सकते हैं घर में। चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं।